भाई अभी अभी बहुत सीखने वाला, अभी हवा में है, जमीन पे उतरेंगे तब पता लगेगा। समाज की लड़ाई तो सड़कों पे लड़ी जाती है, और लड़ाई लड़ने वाले को लाठियां, मुकदमे, जेल मिलती है। क्या तो लड़ना बंद कर दो, तो उन्हें क्या बता, अभी तो दूध के दांत टूटे नहीं है बेचारों के। इनके जो काम जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने जनता हित जनहित के किए, लगातार लोगों की आवाज़ उठाई, लगातार लोगों के आवाज़ बने हैं, समय समय पे लोगों के लिए तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। आज वही वो जो समर्थन था वो जन समर्थन के रूप में नगीना लोकसभा में दिखाई दे रहा है। जैसे मुस्लिम समाज भी आपके साथ बहुत ज्यादा तादाद में जुड़ गया है, इस समय जैसे देखने को मिल रहा है रोड पर सर जी, मुस्लिम समाज भी बहुत भारी तादाद में आपके साथ इस समय देखने को मिल रहा है। हाँ, वो भी हमसे प्यार करते हैं और वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े होकर वो भी अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए उनको लोगों को हराते हराते हराते, अब वो जीतना चाहते हैं। राजनीति में जिनकी ताकत नहीं होती वो उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती। तो सर नगीना की जो लोकसभा सीट इस समय, क्या आपकी इसमें विजय हो जाएगी? अब ये मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता, मुझे तो विश्वास है कि हम 70% में रहेंगे सर। आकाश जो पोलिंग होगा वो उसके 70% में रहेंगे सर। आकाश आनंद आप पर बयान दिए हैं कि वो युवाओं पर एफआईआर करा कर भाग जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? कोई बात नहीं, बस छोटे भाई हैं, अभी अभी बहुत सीखने वाला, अभी हवा में है, जमीन पे उतरेंगे तब पता लगेगा। समाज की लड़ाई तो सड़कों पे लड़ी जाती है, और लड़ाई लड़ने वाले को लाठियां, मुकदमे, जेल मिलती है। क्या तो लड़ना बंद कर दो, कौन किसने नहीं खाई लाठियां? काशीराम साहब ने ना खाई हो, बेंजी ने ना खाई हो, किसने नहीं जेल काटी? तो उन्हें क्या बता, अभी तो दूध के दांत टूटे नहीं है बेचारों के। सर आकाश आनंद को लेकर जब भी सवाल पूछा जाता है, आप रिस्पेक्ट बोलते हैं सर, आप छोटे भाई कहते हैं, लेकिन सर आप तू तड़ाक की भाषा में बोलते हैं। कोई बात, उनकी इच्छा है, सबके अपने अपने संस्कार हैं।